चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कब तक लड़कियों को सुधारने की बातें करते रहेंगे? कब समय आ गया है लड़कियों को नहीं लड़कों को सुधारें। सोच बदलो, बेटा सुधारो, बेटी बचाओ। नाटक मंचन से दिया सोच बदलने का संदेश। संस्कार सेवा संस्थान जम्बोला एवं एकता सेवा संस्थान सागवाड़ा की तरफ से समाज में लड़कियों के साथ आए दिन होने वाले बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं छेड़खानी की घटनाओं पर देशवासियों की सोच बदलने का संदेश देने हेतु एक नाटक तैयार किया गया है। नाटक में लड़कियों को रोक टोक करने की बजाय लड़कों को सुधारने की बात का समाज से आह्वान किया है। संस्कार सेवा संस्थान जम्बोला की अध्यक्षा सुषमा दिलीपंडिया ने समाज में नाटक मंचन के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें बताया गया है कि अब हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच बदलो, बेटा सुधारो, बेटी बचाओ। नाटक मंचन में सुषमा पंडिया एवं मनस्वी पुत्री गोपाल कलाल ने सराहनीय मंचन किया। आइए देखते हैं क्या है पूरा नाटक। और एकता समाचार भी सभी से अनुरोध करता है कि इस नाटक को देखकर आप भी अपनी सोच बदलो, बेटा सुधारो, बेटी बचाओ। माँ मैं बाजार जा रही हूँ। अच्छा बेटा निकुंज, जरा जाना दीदी के साथ, वो अकेली जा रही है बाजार। क्यों माँ, मैं तो भैया से बड़ी हूँ, अकेली जा सकती हूँ। अब आपको या भैया को साथ आने की जरूरत नहीं है। चुप रहे, बड़ी है तो क्या हो गया, आखिर मैं है तो लड़की ना। और ये कपड़े सही पहनो, जींस वगैरह नहीं, बड़े कपड़े पहनो। बड़े मतलब चौगा पहनो तो, देखो ना दूसरी लड़की कैसे फैशनेबल कपड़े पहनती है। हाँ हाँ, ये फैशनेबल और छोटे कपड़ों ने ही समाज में आग लगा रखी है। तुम समझती क्यों नहीं हो, आज की जनरेशन भी। क्या मतलब माँ? बेटा अपने को अपने शरीर की सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना पड़ता है। समाज में कुछ से का पुरुषों की कुछ नजरें हमें घूरती ही रहती है, इसीलिए कब क्या हादसा हो जाए बेटा मालूम नहीं, इसीलिए कहना पड़ता है। तो इसमें कपड़ों को क्यों दोष देती हो? अगर मैं स्लीवलेस ड्रेस पहनूं तो तुम्हारी, पापा की या भैया की नजरें खराब होंगी क्या मेरे पर? नहीं बेटा नहीं होंगी, लेकिन समाज में जो दूसरे पुरुष है उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो दूसरों की नजरें खराब होती है, इसमें दोष मेरे कपड़ों का नहीं उनकी नजरों का है। माना कि कुछ हद तक कपड़ों को जिम्मेदार ठहरा तो हम लड़की गलती लड़कियों के ऊपर ही डाल देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कोई अपने पसंद का ही नहीं पहने। रहने दे, बड़ी बड़ी बातें मत कर, लड़की है तो संभल कर रहे। और देख मैं क्या कह रही हूँ, रोज कितनी घटनाएं हो रही हैं समाज में, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है, इसलिए कह रही हूँ मैं कपड़े सही पहनो। एक बात पूछूं मैं, ये वारदातें किसके साथ हो रही है? अरे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, और किसके साथ बेटा? तो ये बताओ कि वारदातें कर कौन रहा है? लड़के, पुरुष वर्ग और कौन कर रहा है? यही तो, कब तक लड़कियों को सुधारने की बातें करते रहेंगे? अब समय आ गया है हम लड़कियों को नहीं लड़कों को सुधारें। माँ अपनी सोच बदलो, बेटा सुधारो, बेटी बचाओ। समाज में होने वाले इन सब घटनाओं में लड़के ही जिम्मेदार रहे हैं। लड़के या पुरुष वर्ग की सोच नजरे या मन साफ होगा तो हम लड़कियों को कोई परेशानी ही नहीं होगी। बात तो तेरी सही है बेटा, अगर अपना भैया सही होगा तो समाज में किसी भी लड़की या बेटी को कोई उससे खतरा नहीं होगा। सरकार ने एक नारा भी दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके साथ ही अगर अपन ये लागू कर दे, सोच बदलो, बेटा सुधारो, बेटी बचाओ, तो कैसा रहेगा? सही कह रही हो बेटा? माँ मुझे बेटा मत कहो, बेटी हूँ आपकी तो बेटी ही रहने दो। क्यों सिर्फ भाई? सिर्फ अपनी सोच बदलो। अच्छा ये भी सही बात है कि सोच बदलनी है। हम माँ बेटी दोनों का आप सभी समाज वालों से करबद्ध निवेदन है कि अपनी सोच बदलो। सोच बदलो, बेटा सुधारो, बेटी बचाओ। बेटा सुधारो, बेटी बचाओ। धन्यवाद।